दोस्तों जिस चीज का हमको बहुत ज्यादा इंतजार था फाइनली अब उस पर हमको एक अपडेट देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की, क्योंकि फाइनली अब इसमें एक ओपन स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट ना काफी सुकून देने वाला है और ये स्टेटमेंट ना खुद नौसेना प्रमुख की ओर से आया है। सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक ब्यूरो। सो गाइस, हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और इसमें इन्होंने बताया कि हम लोग INS विक्रांत की तरह एक और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की सोच रहे हैं। अब इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ये INS विक्रांत से और भी ज्यादा आधुनिक और INS विक्रांत से और भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो चलिए अब यहाँ पे ये जानते हैं कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के क्या फायदे होंगे और फिर ये भी जानेंगे कि इससे हमारी नौसेना कैसे और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो देखेंगे, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। बट वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ पे मैं ये बता दूं कि यार तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और गला बैठा हुआ है, तो हो सकता है वीडियो क्वालिटी या फिर साउंड क्वालिटी ऊपर नीचे हो, तो उसके लिए यार सॉरी। तो देखिए, हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार जी, इन्होंने अभी आज तक के एक प्रोग्राम में ना ये संकेत दिए हैं कि इंडियन नेवी INS विक्रांत के जैसा ही ऑर्डर रिपीट करने का सोच रही है, यानी कि बहुत ही जल्दी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास INS विक्रांत की तरह एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा और इंडियन नेवी बहुत ही जल्दी इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजने वाली है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर का रिपीट ऑर्डर होता है तो इससे क्या फायदा होगा और इससे हमारी नौसेना और कैसे ताकतवर होगी। अब देखिए, आज की डेट में भारत के पास टोटल दो एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, एक है INS विक्रमादित्य और दूसरा है हमारा स्वदेशी INS विक्रांत। अब देखिए, ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के टॉप 10 एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल हैं। अब अगर एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया बना लेता है तो हम चीन की नौसेना की बराबरी कर लेंगे। आज की डेट में चीन की नौसेना के पास टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की नौसेना के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, वैसे वो हमारी गिनती में कहां आते हैं। अब देखिए, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के आ जाने के बाद हम किसी भी तटीय इलाके को सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे और दुश्मन किसी भी समुद्री रास्ते से देश के किसी भी तटीय क्षेत्र की तरफ नजर उठाकर भी देख नहीं पाएगा। अब देखिए, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के आ जाने के बाद ना हमारी नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और इसके साथ ही आप देखोगे तो साउथ एशिया फिर इंडो पैसिफिक रीजन में भी ना पावर बैलेंस एकदम बना रहेगा। अब देखिए, हमने ना जो अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था INS विक्रांत, इसको बनाने के लिए हमको करीब करीब 13 साल लग गए, बट अब जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा ना ये बहुत जल्दी बन जाएगा, शायद इसके आधे टाइम में ही बन जाएगा। क्योंकि देखिए, हुआ क्या है ना कि हमने INS विक्रांत को बनाने के लिए कोचिन शिपयार्ड में कई चीज़ें डेवलप की हैं, कई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है, हमने इंडस्ट्री के अलग अलग पार्टनर्स को खोजा, 150 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां काम पे लगी, मतलब हमारे पास बहुत सी व्यवस्थाएं अब मौजूद हैं, तो इतना टाइम हमको यहाँ पे नहीं लगने वाला है। और आप देखोगे ना तो ये जो कैरियर बनेगा ना ये INS विक्रांत से भी ज़्यादा आधुनिक होगा, INS विक्रांत से ज़्यादा ताकतवर होगा और इसके साथ ही आप देखोगे तो यह INS विक्रांत से और भी ज़्यादा भरोसेमंद होगा। और यार आप देखोगे ना तो एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के बन जाने के बाद ना वर्ल्ड में यानी कि दुनिया में भारत की धाक और भी मजबूत हो जाएगी। तो यार बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आई, जिससे कि हम लोग उस पर काम कर सके। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।